शक्के ब्रेक रन ब्रेकांची पीस आणि की माबरा ती आणि ई वती टॉपिक असर हाला धीमा भरी आणि चुयो के जारी है बबरी। सबसे पहले तो ये जो आपने आइडियाज़ ये जो ऑर्गेनाइजेशन का बनाना या किसी सिस्टम पे काम करना ये प्रमोट तो मांगता है, और आपको इसके इसके हवाले से आपको कोई प्रमोट करता है या नहीं, आपने खुद ही बस कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है, किसी ने ऐसा कदम बोला? तीन साल हो गए, चौथा साल। अच्छा जी, इन चार सालों में जो है तकरीबन जो है अपनी मदद आपके तहत ही चल रहा है, और हम जो है जो मकसद ये कि ये सोशल कॉज को जो है समझता है हमारे सुनने वाले जो भी मौजूद हैं और हमें सुन रहे हैं, और अगर जो है वो ये सोशल कॉज को समझता है और अगर मतलब वो ये तस्लीम करता है कि हम जो है राइट ट्रैक पे काम कर रहे हैं, तो वो किसी भी तरीके से अगर हमको सपोर्ट कर सकते हैं तो भाई जो बिल्कुल वेलकम है। पाकिस्तान एजुकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन, उनका फेसबुक पेज भी है, उनके जो है वेबसाइट भी है। इसमें मैं एक चीज़ आपके चैनल के तवस्सुत से भी बोल दूँ कि देखिए हम तो तालीम मतलब करिकुलर नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चार साल से ही कर रहे हैं, तो इसमें जो भी ऐसे अफराद जो जैसे भी कुछ कॉलर्स ने हमारे साथ जुड़े उनकी बातों से खुशी हुई हमें कि भाई हमें वो समझ में आ रहा है उन्हें हमारा कॉज, तो इस हवाले से ये कि मैं ज़रूर कहूँगा कि जो भी लोग इस तरह से तालीम से मोहब्बत वाले लोग हैं तो वो हमारा पेज ज़रूर लाइक करें। PEDA पाकिस्तान फेसबुक का पेज है, PEDA पाकिस्तान यानी पाकिस्तान एजुकेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन पाकिस्तान, PEDA पाकिस्तान, और हमारा ऑफिशियल नंबर भी है 0313-000-5762। मैं रिपीट भी कर देता हूँ 0313-000-5762। तो बिल्कुल आप हमारे साथ शामिल भी हों और जिस तरह जो सपोर्ट कर सकता है हमारे साथ जी बिल्कुल खड़ा हो ऐसे काम में और ऐसे आइडियाज़ में। मैं तो हमेशा यहाँ पे जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन वाले आते हैं या कुछ सोशल एक्टिविस्ट आते हैं जो अपनी मदद आप कर रहे होते हैं, तो हमेशा मैं अपने देखने वालों को यही कहती हूँ कि ऐसे लोगों को प्रमोट करें जहाँ पर आपकी प्रमोशन की ज़रूरत हो, जहाँ पर सिर्फ आप अपने आप उन उस इदारे को नहीं लेकिन अपने घर में भी कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कर रहे हो उनको सपोर्ट कर। तो बिल्कुल आप लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए और मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हमने ब्रेक से पहले तो मैं इतने सवाल पूछती हूँ, ब्रेक के बाद जो है ना, नहीं ब्रेक से पहले नहीं, ब्रेक के बाद मैं इतने सवाल पूछती हूँ, ब्रेक के बाद जब यहाँ आते हैं ना तो बस खत्म हो जाते हैं मेरे सवाल। तो ये कोरोना का जो सिस्टम है ये बहुत अभी तो फेमस चल रहा है, जैसे मैं ब्रेक से पहले भी कहा कि बहुत हाई मतलब कोरोना ने तो भाई दुनिया जीत ली, सुपर स्टार बन गया। तो इसमें आप तालीमी निज़ाम को कहाँ देखते हैं और किस तरह से मतलब ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं ये गलत है सही है, कैसे मेंटेन करना चाहिए घर वालों को या स्कूल वालों को? अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी है, फिर इसका जवाब आपसे लेंगे। अरमान बलोच, तुम पर चेकअप करेंगे रोटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अरमान, तो छूने अरमान चुवश नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर वशी अल्लाह एहसान है। और ना मरागिशा चार गए अरमान? जी बिल्कुल, ते मरागिशा मार ठोक ता चार गए हूं माशर बाद वश माशाल्लाह मारा ते मरागिश लगी। ए बाज बाज मेरे द्वार देखी चीजी को शिक लूटे। मैं गेस्ट आनी हूं जी, देखी चीजी को शिक लूटे अरमान, देखे मेहमान सलाम दे लूटा जी। उर्दू सलाम मेरे बलूची सलाम ना समझे अच्छा मुझे नहीं पता था कि ये पठान है, और मेरे अबू हमेशा कहते हैं बलोच और पठान भाई बहन होते हैं, तो हम लोग मतलब तकरीबन हमारे रिवायात भी काफी मिलते हैं। तो ये जो मैंने पहले जो सवाल पूछा आपको तो याद ही होगा, मैं भूली हूँ लेकिन आप नहीं भूले। कोरोना जो है लाजिम बात है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि जो है पूरी दुनिया के लिए एक पैनाडेमिक था, और जो है इससे जो है कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो है इससे पहले भी चूँकि जो है जब ब्रेक था उस दौरान भी जो है हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि कोरोना के आने की वजह से जो है मकसद ये कि बाकी तो जितने भी सेक्टर को नुकसान हुआ है वो तो हुआ है इक्तसादी तौर पे, इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है वो काफ़ी जो इस मामले में जो है पीछे हो गया, और मेरे ख्याल में सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का हाल बुरा ही है, माँ सिवाय डेवलप्ड कंट्रीज़ के, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है इस साले को समझे बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन इसमें जो है हम बींग एजुकेटर्स अगर देखें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का जो है हाल बहुत बुरा हो गया, और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं भी स्टूडेंट होता
नाइन्थ में होता, टेंथ में होता, इंटर में होता, ग्रेजुएशन में होता, तो ये जो खला है ना, ये साल डेढ़ साल वाला, मेरे ख्याल में आने वाले कई साल जो है इसको जो पूरा नहीं कर सकते, ये हमारी शख्सियत में एक कमी छोड़ के चला गया। तो बीइंग अ स्टूडेंट जो है, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी यूथ है, जो हमारी जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो है ये वाकई में एक बहुत बड़ा पैनडेमिक है, और हम देख रहे हैं, अभी भी हम फेस कर रहे हैं। आगे अल्लाह ताला जो है आसानी पैदा करे हम तमाम पाकिस्तानियों पर, और जो है इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पर जो है कि भाई जनाब जो है इन्होंने इन टफ टाइम में भी रहते हुए इन तमाम स्कूल ऑनर्स को, टीचर्स को मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने जो है अपनी जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने की। बिल्कुल, और ऑनलाइन क्लासेस देना कोई आसान बात नहीं है। आप एक क्लास में क्लासेस दे रहे हैं और ऑनलाइन दे रहे हैं, मैं तो कभी जिंदगी में ना दे सकती हूँ ना ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हूँ। अच्छा सर, आपके इदारे में और क्या क्या आइडियाज़ हैं? मतलब यही है सिर्फ एजुकेशन के हवाले से हैं या बच्चों के, यूथ के बारे में कुछ और भी आपने सोचा? देखिए, मैंने आपको पहले तो तस्करा कर दिया था ट्रेन द ट्रेनर्स के हवाले से, सही ना। इसके अलावा हमारे वहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अच्छा पढ़ो अच्छी नौकरी मिलेगी, सही है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम लोग ख़त्म करेंगे, अल्लाह पाक से उम्मीद है। इसके सिलसिले में हमारी एक टीम काम कर रही है, और मेरा कॉन्सेप्ट और मेरी टीम का कॉन्सेप्ट ये है कि हम यहाँ पे छोटे पैमाने पे कारोबार जो है ना, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप जिसे कहा जाता है, वो हम लॉन्च कर सकें। मतलब 50,000 से लेके 5,00,000 तक के कोई ऐसा कारोबार जो बच्चा खुद कर सके, बच्चा खुद कर सके। और ये चीज़ ना देखें, कॉलेज लेवल से शुरू होनी चाहिए। असल में आप चाहे 5,00,000 की नौकरी कर रहे हो, मगर नौकरी होती है, ठीक है ना। तो मतलब आप, मेरा कहना ये कि आप जॉब क्रिएटर बने, जॉब ना करें, जॉब क्रिएटर बने। तो इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब ये कवर अप हो जाएगा, तो ऐसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसमें इंशाल्लाह हम ये कि कॉलेज लेवल से शुरू करेंगे, और इसमें छोटे पैमाने पे ऐसी सनतें, ऐसी मशीन्स के आप देखें, चाइना में, अगर चाइना की तरक्की का राज देखें ना, चाइना की तरक्की का राज क्या है, चाइना के हर घर में कहीं सुई बन रही है, कहीं धागा बन रहा है, कहीं पर कुछ बन रहा है, हर घर में कोई ना कोई छोटी सनत लगी हुई है। जी बिल्कुल, वो कॉन्सेप्ट को हम इंशाल्लाह यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं लॉन्च करने की। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ पे आए। बहुत शुक्रिया। कोई मुख्तसर सा मैसेज अगर आप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, बिल्कुल दें, क्योंकि प्रोग्राम की जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। जी कमल भाई, आप दें बस मेरे के हम जो बीइंग एजुकेशनलिस्ट एक ही जो है पैगाम देते हैं कि पढ़ें और पढ़ाएँ। आप जो है पूरा पाकिस्तान जो है पढ़े और पढ़ाएँ और जो है सीखते रहें। इंशाल्लाह जो है आप सीखेंगे, आपकी नीयत रखेंगे, तो इंशाल्लाह जो है आप अपनी भी प्रोग्रेस कर सकेंगे, कंट्री की भी प्रोग्रेस। बिल्कुल, छोटी सी बात है, पढ़ो पाकिस्तान, बढ़ो पाकिस्तान, पढ़ो पाकिस्तान, पढ़ो पाकिस्तान, और पढ़ाओ भी पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि खुद ही पढ़ लो, लेकिन ऐसे इदारों को, ऐसे लोगों को, ऐसे सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे हम सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने घर को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, उस सिस्टम को नहीं, अपने घर को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो गोली चालू काम प्रोग्राम में बाद हलास मिता बाज वशमित मर्ची प्रोग्राम माना रहा, खासकर बाज इन्फॉर्मेशन मिले मना उम्मीद है शुमारा हम बाज इन्फॉर्मेशन मिले तम मई नेम गची मी बांदे वास्ता मना रहा विजा महल का बलोचा रवि देता इजाजत होती खैर इरकन होती मात पिते ख्याला अल्लाह मा इरकन है मई नेम गची अल्लाह मेरे नहीं मारा हिफ्ज़ करा जी हिफ्ज़ा अंजु का हर एक चुके वास्ता एजुकेशन बाज जरूरी है शुमा बेवानता और मतलब लदेगी का सभी एजुकेशन बेदर टीचर बीते या स्टूडेंट है भी बाज मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी करते ये माइंड अभी समझते ये मना रहा इजाजत मन इफ्ज़ की लल्ला मैं